अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, आज मैं आपके सामने अंक विद्या के संबंध में कुछ छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। अंक शास्त्र, अंक विद्या या न्यूमरोलॉजी, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है ये बात तो सिद्ध हो चुकी है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को प्रतिपादित कर चुके हैं, वे मान चुके हैं। निकोला टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। निकोला टेस्ला बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। उन्होंने हमारे जीवन में अंकों का क्या महत्व है, गणितीय अंकों का क्या महत्व है, इस पर बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और अपने रिसर्च में उन्होंने पाया कि 3, 6 और 9 इनका बहुत ही विशेष महत्व है हमारे जीवन में। इस बारे में पूरा बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है। आज फिलहाल मैं बहुत छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, उसी पर हम फोकस करेंगे। अगर आपका जन्म 1 और 4 तारीख को हुआ है या फिर 1 और 4 के मूलांक में हुआ है, 1 के मूलांक कौन कौन से होते हैं, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातक, यानी इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग, और 4, 13, 22 और 31, 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, इन दोनों जातकों की मित्रता, यानी जो 1 के मूलांक में जिन्होंने जन्म लिया है और जिन्होंने 4 के मूलांक में जन्म लिया है। मूलांक का अर्थ वो होता है कि जो आपके जन्म की तारीख है, जो आपकी बर्थ डेट है, उसका समग्र योग, यानी उसका कंप्लीट एडिशन जो होता है, उसका मूलांक कहलाता है। जैसे अगर आपका एक सिंगल डेट में जन्म हुआ है, इकाई के अंक में जन्म हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब तो इनके मूलांक यही रहेंगे। फिर जैसे ही दहाई के अंक आ गई या डबल डिजिट आ गई, 10, तो 1+0, 1, फिर 11, 1+1 = 2, यानी 2, उसका मूलांक हो गया 2, 11 तारीख का मूलांक हो गया 2, 12 तारीख का मूलांक हो जाएगा 3, क्योंकि 1+2 = 3। इसी प्रकार से मूलांक की गणित आगे से आगे चलती है। तो मूलांक समझिएगा, बर्थ डेट की बात नहीं हो रही है, मूलांक की। 1 मूलांक वाले लोग और 4 मूलांक वाले लोगों की मित्रता किससे होती है, या फिर इनके प्रेम संबंध किससे होते हैं, या फिर इनके मित्रता और इनके प्रेम संबंध किन जातकों से, किन मूलांक वाले लोगों से ज़्यादा समय तक टिकते हैं और ज़्यादा विश्वास, इनमें आपसी विश्वास देखा गया है, तो वो कौन से मूलांक वाले लोग हैं जिनकी 1 और 4 वालों से ज़्यादा पटती है, वो लोग होते हैं मूलांक 2 और मूलांक 7 वाले लोग। यानी मूलांक 2, यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 11 का मूलांक भी 2, 20 का भी 2+0 = 2, 29 का भी 2, 2+9 = 11, और फिर 1 और 1 = 2। तो इस प्रकार से मूलांक 2 वाले और मूलांक 7 वाले लोग, इनकी मित्रता, इनके प्रेम संबंध, इनके विश्वसनीय रिश्ते, वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं मूलांक 1 और मूलांक 4 वाले लोगों में। तो अब आप समझिए कि इस जानकारी का महत्व या इस जानकारी का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 1 या 4 के मूलांक में हुआ है या 2 और 7 के मूलांक में हुआ है, तो आप अपने कर्म क्षेत्र में, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं जिनका मूलांक इंटरचेंज हो, यानी 1 और 4 वाले मूलांक 2 और 7 वाले मूलांक वाले लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से 2 और 7 वाले मूलांक के लोग 1 और 4 वाले मूलांक के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। अधिकतर आपको देखने में आएगा कि अगर आपका मूलांक 1 और 4 में से है
तो आपके जीवन की महत्वपूर्ण डेट जो है, महत्वपूर्ण तारीख है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, जिनमें आपके जीवन में आपने कोई उपलब्धि हासिल की हो, या आपके जीवन में वो तारीखें बहुत महत्व रखती हों, बहुत इम्पोर्टेंस रखती हों, कोई ख़ास तारीखें हों आपके जीवन में, तो वो भी 1, 4, 2 या 7 के मूलांक में ही कहीं ना कहीं से होंगी, आप देखिएगा। इसी प्रकार से अगर आपका मूलांक 2 और 7 है, तब भी आपके जीवन की महत्वपूर्ण तारीखें, इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं, महत्वपूर्ण दिन जो हैं आपके लाइफ में, वो 1 मूलांक वाले को होंगे, 4 को होंगे, 2 को हो सकते हैं या 7 को हो सकते हैं। तो इनका परस्पर संबंध है, मूलांक 1, 4, उधर से 2 और 7। तो आज के लिए एक छोटी सी जानकारी थी जो अचानक मुझे किसी पुस्तक में मुझे पढ़ने में आई, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको देनी चाही थी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबकी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।